भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक वाहन रैली का आयोजन शहर में किया गया। इस रैली में सांसद बाड़ू धानोरकर के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। कांग्रेस के जिस नेता सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू है, वहीं चंद्रपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से शहर में एक रैली का आयोजन शनिवार को शाम के 5 बजे के आसपास किया गया है। इस रैली में सांसद बाड़ू धानोरकर, कांग्रेस के जिस नेता विनोद दत्तात्रेय, शहर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष रामू तिवारी राष्ट्रवादी, कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष राजू कक्कड़ राष्ट्रवादी और कांग्रेस के प्रदेश कार्याध्यक्ष नितिन भटार राष्ट्रवादी के तालुका अध्यक्ष राजू काड़े, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा संगीता ताई अमृतकर, युवक कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष राजेश अडूर, ज्येष नेता के सिंह, प्रदेश सचिव विजय नड़े, पूर्व सभापति संतोष लामगे, कांग्रेस के अन्य नेताओं में प्रवीण पडवेकर, उमाकांत धांडे, नरेंद्र बोबड़े, भालचंद दानव, सोहेल शेख, गोपाल अमृतकर, अश्विनी खोबरागड़े, निशा धोंगड़े, चंदा बैरागड़े, संजय गंपावार, सचिन कत्याल, संदीप सिडाम, पप्पू सिद्दीकी, नौशाद शेख, राजवीर यादव, रवि भिसे, ताज कुरेशी, दुर्गेश कोडाम, यूसुफ भाई, राजू खजांची, मोहन डोंगरे, दौलत चालपुरे, वसीम शेख, अमीर शेख, पिंटू रेलिवार, पीताम्बर कश्यप, केतन दुर्सेलवार, काशिफ अली, पूजा आहुजा, गौस खान, मंगेश डांगे, तवंगर खान, मोनू रामटेके, स्वप्निल चिवंडे, सागर कोबरागड़े, राहुल चौधरी, ताजू शेख, राजू वासेकर, अखिल कुरेशी, इरफान भाई, दीपक मद्दीवा, रवि रेड्डी, विनोद वाघमारे, शुभम कोराम के साथ अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। वहीं इस रैली को सांसद बाड़ू धानोरकर ने संबोधित किया। अपने रिजर्व बैंक ही धोक्यात आणली या भारत देशाला धोक्यात आणण्याचं काम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी केलेलं आहे हे विसरता कामा नये। या देशातला प्रत्येक नागरिक जागृत झाला पाहिजे, या महाराष्ट्रातला प्रत्येक नागरिक जागृत झाला पाहिजे, यासाठी आज एक बाईक रॅली काढली। कालच्या तारखेमध्ये आपण बघितलं मशाल रॅली काढली, तिथे कोण्या पक्षासाठी मतदान मागायसाठी आदरणीय राहुलजी या देशात फिरत नाही, तर या देशामध्ये परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधान टिकलं पाहिजे, लोकशाही टिकली पाहिजे, यासाठी या देशामध्ये लोकशाही आणली पाहिजे, यासाठी दारून दार फटकत असताना आपण पाहतो। म्हणजे ही परिस्थिती या देशाची निर्माण झाली। ते म्हणत होते की या देशाला काँग्रेसनी काय दिलं। अरे बाबा। सी टीव्ही के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव व्यारकर की रिपोर्ट।